अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्बास जंजुआ और आप देख रहे हैं एजे इंजीनियरिंग चैनल। दोस्तों आज मैं आप दोस्तों को इस पानी वाली मोटर को इस ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच करने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है और आप इस मोटर को ऑटोमेटिक सिस्टम को कौन सी जगह पर इंस्टॉल करते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, सब्सक्राइब करें एजे इंजीनियरिंग चैनल को और साथ इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप दोस्तों के पास पहुंच सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने मोटर को पहले से जो है अटैच करके रखा हुआ है। ये हमारे पास जो है मोटर की इन वाली लाइन है, इधर से हमें पानी मिल रहा है और इधर से हमें जो है आउट मोटर दे रही है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, हमें इधर से आउट पानी मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंट्रोलर सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर है। इसके साथ एक गेज लगी हुई है और दो पाइप लगे हुए हैं इन, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, दो पाइप लगे हुए हैं, एक हमने मोटर के साथ अटैच करना है और एक हमने आउट लाइन के साथ लगाना है। ठीक है, ये हमारी आउट लाइन है और ये हमारे मोटर के साथ लगेगा। तो ये हमने मोटर के साथ अटैच करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप दोस्तों को पहले से कनेक्शन चेक करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो राइट साइड वाली वायर है इस पर आपने 220 सप्लाई जो है इन करनी है, न्यूट्रल और फेस। ये हमारी जो है अर्थ है और ये न्यूट्रल और फेस है। ठीक है, हमने इधर 220 सप्लाई इन करनी है और ये जो लेफ्ट साइड वाली वायर है हमने इस मोटर की वायर के साथ इसको अटैच कर देना है। ठीक है, इसको इसके साथ अटैच कर देना है और इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। और इसका ये मकसद है कि जैसे ही हमारा जो है पानी कम होता है तो ये सिस्टम जो है इस मोटर को सेंस देता है और हमारी मोटर ऑन हो जाती है और लाइन में प्रेशर पूरा करती है। जैसे पानी प्रेशर फुल हो जाता है तो इस सेंसर की वजह से हमारी मोटर बंद हो जाती है। जब आपको पानी की ज़रूरत होगी तो दोबारा ये ऑन हो जाएगी और आपकी लाइन को प्रेशराइज कर देगी, तो उसके बाद ये दोबारा से फिर ऑफ हो जाएगी और आपकी जो है मोटर जो है पानी को रोक देगी। ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ साइकिल है। तो चलिए मैं आपको इसका जो है डायग्राम वगैरह दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैक्सिमम 2:1 एम्पीयर ले रही है। ठीक है, और ये जो है आपको नज़र आ रहा है 0.5 HP है और ये मैक्सिमम 9 मीटर तक जो है ये खींच सकती है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है पानी जो है 9 मीटर तक खींच दिया। तो चलिए मैं आप दोस्तों को ऑटोमेटिक सिस्टम चेक करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है हमारा 10 एम्पीयर तक जो है ये लोड बर्दाश्त कर सकता है। 10 एम्पीयर तक की मोटर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप दोस्तों को इसके कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारी जो है राइट साइड वाली है, ये हमारी मेन सप्लाई है 220, और ये जो है लेफ़्ट साइड वाली हमारी जो है मोटर के साथ अटैच होगी है वायर। ये आप देख सकते हैं, अभी हमारी मोटर जो है चल रही है। ठीक है, जैसे ही पानी का प्रेशर पूरा होगा, मैं आपको इसका मीटर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही पानी का प्रेशर पूरा होगा तो हमारी मोटर खुद खुद ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बिल्कुल लाइन खाली है तो हमारी मोटर चल रही है। जैसे ही पानी का प्रेशर पूरा होगा हमारी मोटर जो है खुद ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं जो है मोटर हमारी चल रही है। आप देख सकते हैं हमारी मोटर जो है ये ऑफ हो गई है, इसका प्रेशर बिल्कुल पूरा हो गया। तो चलिए मैं आप दोस्तों को अभी इसका मीटर चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसका प्रेशर बिल्कुल पूरा हो गया है। ठीक है, अगर आप दोबारा इसको चलाना चाहें तो इसका एक स्विच भी लगा होता है, आप इसको इधर से ऑन कर सकते हैं, इसको पुश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, दोबारा मोटर ऑन हो गई है और कुछ ही देर में जो है हमारी मोटर जो है प्रेशर पूरा करने के बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पानी नीचे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो साथ साथ आपकी मोटर चलती रहेगी और साथ साथ आपका प्रेशर पूरा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मोटर दोबारा स्टॉप हो गई है, ये प्रेशर को बिल्कुल जो है मेनटेन रखती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी और अच्छी और मालूमती वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।